بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسلم ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلبه الكرام उम्मीद करता हूँ अहबाब खैर से होंगे आज इंशाग तफसीर जलालेन के दरस नंबर सात में हम सिपारा नंबर सोलह से शुर कफ़ की मंतखब करदा आयात निन्यानवे से लेकर एक सौ तीन तक पढ़ेंगे जिसमें हसब सबिकलामारी आला का तर्जमा और कलाम मुफसर का तर्जमा होगा उसके बाद इंशा अग् सब के अंदर मजकूर मसाइल की तशरीह तोद की जाएगी तो आइए बिला तखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ देखिए रब तला ने इशाद फरमाया व नी यमूझ फी बद खफ सूरी फ जमा ना हूँ जमा अजीज तलाबा कर सबसे पहले इन आयात का माकबल आयात के साथ ताल्लुक और रबत जानिए तो मुफसरीन कराम इनका पहला ताल्लुक माकबल आयात के साथ कुछ यूँ बयान फरमाते हैं कि पिछली आयात में याजूज माजूज़ को दीवार के पीछे कैद करने का जिक्र है और फरमाया गया कि वह अपने जोरों को से इन दीवारों को फलांग नहीं सकते निकल नहीं सकते अब इन आयत के अंदर उन्हें कुर्ब के आमत में निकालने का जिक्र किया जा रहा है कि रब तआला अपनी कुदरत से उन्हें कैसे इन दीवारों से बाहर निकालेगा दूसरा ताल्लुक इन आयत मुकद्दसा का पिछली आयत के साथ कुछ यूँ करते हैं कि पिछली आयत में दीवार की मजबूती का जिक्र है और फिर अल्लाह की कुदरत से उस दीवार के मदकूक और मबसूत होने का भी ज़िक्र है अब इन आयात में उनके इंजाम और बाहर निकलने की वजह का जिक्र हो रहा है कि उन्हें मैदान मशर में जमा करने के लिए बाहर निकाला जाएगा तीसरा ताल्लुक़ इन आयात का पिछली आयात के साथ कुछ यूं बयान करते हैं कि पिछली आयत के अंदर याजूज़ मौजूद जो कि बहुत और जाबर किस्म की कौम थी उनकी मजबूरी और बेकसी का जिक्र हुआ तो रब तला इन आयात में कुफार को तमबीह कर रहे हैं कि अगर वो रब की कुदरतों का मुकाबला नहीं कर सके तो ए काफिर तुम कैसे रब की ताकत और उसकी कुदरत का मुकाबला कर सकते हो आइए तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं और अब तला ने इर्शाद फरमाया कि और हम इन्हें छोड़ देंगे उस दिन यानी इनके निकलने के दिन जब हम इनको निकाल लेंगे किस तरह छोड़ेंगे इन्हें यमू जूफी बाद यख तुबि हिम उस दिन ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे मड़ हो जाएंगे मिले हुए होंगे लिकसरा तिम क्यों अपनी कसरत की वजह से अपनी तादाद की वजह से और फिर क्या होगा वनुफ सूर फिर सूर फेंका जाएगा अयल कर्ण यानी उठने के लिए सबको उठाया जाएगा खलाइक फिर हम सबको जमा कर लेंगे अयल खलाइक यानी कुल मखलूक जो हैं वो एक ही जगह पर जमा होंगी और वो दिन कौन सा होगा वो कयामत का दिन होगा जमा यानी हम उन सब को जमा कर लेंगे व और फिर हम पेश करेंगे आइकर कर रबना यानी करीब कर देंगे हम जहन्नम को उस दिन किन के काफिरीन के आर्दन पेश करना अल्लादीन कानत आयुन हम ये काफिरीन कौन थे ये वही लोग थे जिनकी आँखों के ऊपर ये आयुन के बारे में बता रहे हैं कि लफ्ज आयुन ये बदल वाक हो रहा है काफिरीन से इनकी आँखों के ऊपर पर्दे थे आन जिक्री ये मेरे कुरान से बड़ा दूर थे युन, युन ला ये अंधे हो गए थे ये उससे हिदायत हासिल नहीं करते थे वकानूला और ये सुनने की तो ताकत ही नहीं रखते थे इन्होंने तो कभी सुना ही नहीं यानी इनके पास कुदरत ही नहीं थी नबी के रसुल की बातों को सुनेतल जो कुरान आप इनके ऊपर पढ़ा करते थे, थे। इसलिए थे फला यु मिनुन बस कैसे ये उसके ऊपर ईमान लाते ये तो सुनते ही नहीं थे आफा क्या इन कुमान कर लिया मेरे बंदों को ये बना लें यानी मेरे फरिश्तों को ईसा को उजैर को मिंदूनी उलिया मेरे अलावा इन्होंने उन्हें अपना रब भी बना लिया दोस्त भी बना लिया और इन्होंने ये गुमान कर लिया क्या मफअौल सानी है ये बता रहे हैं कि अउलिया जो है ये यद ताखज उसे मफौल सानी वाकई हो रहा है और हासीबा का जो मफल सानी है उसे हाजफ़ कर दिया गया है तो माना गोया इबारत का ये बना क्या इन लोगों ने काफिरों ने गुमान कर लिया कि ये जो इन्होंने इतखाज किया है यानी मेरे बंदों को इन्होंने मेरे अलावा खुदा भी मान लिया है और उनके साथ इन्होंने दोस्तियाँ लगा ली हैं दोस्त ला यख भी बुनी क्या ये वाली दोस्तियाँ और ये वाली जो इन्होंने शिरक किया है ये मुझे गजबनाक नहीं करेगा वालाओ आकी और क्या मैं इन्हें इस सारे अमल के ऊपर सजा नहीं दूंगा कल्ला कितना ही गलत ख्याल है इन ना आतना बेशक हमने जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया है इन ने मक्का के लिए और जो इनके अलावा हैं सब के लिए नूजो लिया लहुम यानी ये जो जहन्नम है ये इनके लिए मेहमान खाना है जैसे दुनिया के अंदर मेहमानों के लिए मेहमान खाने होते हैं तो इनके लिए भी हमने ये वाला जहन्नम का मेहमान खाना तैयार किया है महबूब फरमा दीजिए हल्बी हम खबर न दें उन लोगों की जो बड़े ही घाटे वाले हैं जिनके आमाल बड़े ही खस्ता हैं और घाटे वाले बकल मुमय आमाल तमयीज है और अपने मुयस के मुताबिक है आइये तलब करते हैं दर्श की तशरीहो तो की तरफ वो तरक ना बद मुफसरीने के राम इसके अंदर कुछ अकवाल को जिक्र करते हैं फरमाते हैं कि तरक नाबादों से याजूज़ महजूज़ मुराद हैं और माना यह है कि कुर्बे की आमद जब ये दीवार टूटेगी तो याजूज़ महजूज इस भीड़ बाहर से भागते दौड़ते वहशियाना अंदाज में निकलेंगे और अपनी बे इंतहा कसरत की बिना पर समंदर के बेानतहा पानी की तरह ठाठे मारती हुई मौजों के मुशाबे ये एक दूसरे पर दौड़ते चढ़ते चले जाएंगे जैसा कि अदिसे मुबारक के अंदर भी मजकूर है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि ये सारे समंदरों का पानी पी जाएंगे दरख्त खेत खलियान हर चीज को नस्त नबूद कर देंगे तोड़ फोड़ देंगे और रौंदते हुए फिरेंगे कोई भी इनसे बच नहीं सकेगा ये हर चीज को खा पी जाएंगे ना इनसे कोई खेत खलियान बचेगा ना इनसे कोई पानी वाली जगह बचेगी बल्कि यहाँ तक कि समंदर का पानी भी इनके पीने से कुदरत इलाही से ख़त्म हो जाएगा और ये इनके निकलने का वाक्य दज्जाल के वाक़े के बाद होगा दज्जाल के तमाम मानने वाले जितने भी कुफार होंगे उनको भी ये याजूज माजूज खा जाएंगे और इस तरह बहुत सी ज़ाहरी बातनी गलासतों से ज़मीन पाक हो जाएगी याजूज माजूज का सदे सिकंदरी से बाहर निकलना ये क्यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और इसके हवाले से तरक ना बहादा हूँ यम इस यमुजू के हवाले से दूसरा तफसीली कॉल मुफसरीने के नाम कुछ यूँ जिक्र फरमाते हैं कि तरखना के माजी के सीगा का एतबार करते हुए ये कॉल किया गया है और फरमाते हैं कि सिकंदरी की किमीर तकमील के वक्त हमने तमाम कौमूज को उनके कोहिस्तानी जो इलाका था उसकी दीवार के दूसरी पार छोड़ दिया अब वो तक यामत अपने इलाके में ही दंदर आते फिरेंगे दूसरी तरफ नहीं आ सकते ना वो किसी पे जुलम डाल सकते हैं ना उनको कोई देख सकता है और ये गैबी खबर अब तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है हालांकि इतनी साइंसी तरक्की के बावजूद उनकी इतनी बड़ी कौम भी है जिनका कोई पता नहीं लगा सका न किसी जहाज के साथ न किसी रॉकेट के साथ न किसी उड़ान के साथ उनकी कोई खबर नहीं जो कुरान ने खबर दे दी बस उनके बारे में वही खबर है और ये वाली जो तफसर की है इसके अंदर फ़कत माजी के सीगे का एतबार करते हुए इस तफसीर को जिक्र किया गया है जो पहली तफसीर जिक्र की गई है वो बिल्कुल आयात के सियाब को सबाक के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त तफसीर मानी जाती है और तीसरी तफसीर इसमें यह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो सूर शानी जो फूका जाएगा तो उसके बाद सभी जो लोग होंगे जितनी भी मखलूकत होंगी वो मैदान महशर की ज, तरफ भागेंगी एक जगह जमा हो जाएंगी और सूर पहले सूर के फूकने में और दूसरे सूर के फूकने में चालीस साल का वक्त होगा यानी चालीस साल के अरसे के बाद दूसरा जो सूर है वो फूंका जाएगा और समंदर की बेकराम की तरह अजीब मुसीबतनाक नजारा होगा लोग दौड़ते हुए इस मैदान महशर की तरफ जाएंगे आगे फरमा रहे हैं वह आराधना जहन्नमयम काफिल आरदा फिर क्या होगा यहां से मैदान महशर का नक्शा खींच रहे हैं क़यामत के, के दिन काफिरों के सामने जहन्नम को पेश किया जाएगा मैदान महाशर का कुछ यूँ नक्शा खींच दिया कि ये लोग दुनिया के अंदर रसूल्लाह से बुग्ज़ की वजह से ये अंधे हो गए थे हक सुनने से इनकी आंखों के ऊपर पर्दे पड़ गए थे और ये रसूल्लाह पर बुग्ज़ की वजह से ईमान नहीं लेके आए तो अब क्यामत वाले जिन इनके ऊपर इस जहन्नम को का जो अजाब इन्हें देना है उस जहन्नम को पेश किया जाएगा तो इसके हवाले से थोड़ा सा खलश जहन में पैदा होती है क्या जहन्नम को उठा कर मैदान महाशर में लाया जाएगा तो हरग ऐसा नहीं होगा बल्कि जो मैदान महशर और जहन्नम के माबैन पर्दा होगा उसे हटा दिया जाएगा जिसकी तशरीह भी तफसीर भी मुफसर करीम ने कर दी आरद ना कर रब ना हम करीब कर देंगे अब वो पर्दा हटा दिया जाएगा तो इनकी आंखों के सामने हु बहू जहन्नम होगी ये जहन्नम को देख सकेंगे आगे बता रहे हैं अफ हासिबल क्या ये गूंगे बहरे अंधे जो काफिलीन हैं जो मेरे रसूल के ऊपर ईमान नहीं लाए इन्होंने घुमान कर लिया है कि ये मेरे ही बंदों को मेरे ही खिलाफ अपना मददगार बना लेंगे यानी मेरे फरिश्तों को ईसा को उज़ैर को जिन्हें इन्होंने अपना खुदा माना हुआ है क्या ये उनको मेरे खिलाफ बना लेंगे अपना खुदा और ये जो इन्होंने तरीका कार है ये वाला तरीकाकार क्या मुझे गजबनाक नहीं करेगा मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा अगर ये ऐसा ख्याल करते हैं तो इनका ख्याल बड़ा ही गलत है फिर ये सुन लें इन ना जहन्नम जहन्नमकाफरीना नजूल हम हमने इनके लिए जहन्नम तैयार की हुई है और कैसी जहन्नम इनके लिए हमने रिहायशी ठिकाना बनाया हुआ है मेहमान खाना बनाया है जैसे दुनिया के अंदर मेहमानों के लिए मेहमान खाने होते हैं तो हमने इनके लिए भी मेहमान खाना बनाया हुआ है ये कुफार के साथ कलाम इस्तेहजाई हो रहा है और इस तरह एक जगह शफ्बार को खुश खबरी को तो अजाब अलीम की कुरान के अंदर मुख्तफ जगह के ऊपर रब तला ने इनके साथ कलाम इसी फरमाया है तो महबूब इनसे कहिए कि उन लोगों की खबर न दें जिनके आमाल के लिहाज से वो बड़े ही खसारे में हैं तुम्हें उनके बारे में ना बताएं आगे ये आमालन के हवाले से बता रहे हैं कि ये तमहेज है अक्सरीन से तो अक्सरीन भी जमा है और आमालन भी जमा जिक्र किया गया है तो गोया तमहेज जो है वो अपने मुमय के मुताबिक हो गई अजीज के कि आज के दर्ज के ऊपर कुछ एतराज हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करते हैं सबसे पहले नज़ूला नज़ूला से मुराद यहाँ पर मेहमान खाना मुराद लिया गया है तो मेहमान खाने के ऊपर एतराज़ ये होता है कि मेहमान खाना दायमी नहीं होता क्योंकि मेहमान खुद दायमी नहीं होता ये तो आर्जी होता है और तफसीर से ये मालूम हुआ है और कुरान ये बताता है कि काफीन के लिए जो ठिकानाएं है, जहन्नम है वो दायमी है और वो हमेशा उसमें रहेंगे तो नज़ोला से मेहमान खाना मुराद लेना ये हरगज़ दुरुस्त नहीं होगा तो इसका जवाब देने की कुछ यूँ कोशिश फरमाते हैं कलाम इसी है ये हकीकी नजूला नहीं है बल्कि उनको तानो झड़क करने के लिए जजरो तोबीख करने के लिए नजूला के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं इसका एक और भी जवाब देते हैं वो इल्ज़ामी जवाब है कि अगर आपकी इसी बात को मान लिया जाए कि नजूला तो दायमी नहीं होता बल्कि आर्जी होता है तो आगे मोमिन के लिए भी जन्नातुल्फरदी नजूला है तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल होगा फिर दूसरा एतराज ये होता है कि फरमाया गया इन न आतना लिल काफी जहन्नम लिलकाफरीन कि हमने जहन्नम को काफिरीन के लिए तैयार किया है तो उसमें जो मुजरिम और फासिक मुसलमान होंगे वो क्यों कर जाएंगे क्योंकि ये तो तैयार ही काफ़ीन के लिए की गई है तो इसका जवाब ये देते हैं कि काफ़ीन के लिए जहन्नम दायमी ठिकाना होगा लेकिन जो मुसलमान फासिकीन इसके अंदर जाएंगे वो कुछ लम्हे के लिए धुलने के लिए जाएंगे जैसे शर्राफ की भट्टी के अंदर कोयला जो जाता है वो जलने के लिए जाता है और जलता ही रहता है लेकिन सोना भी कुफार की भट्टी में जाता है लेकिन वो सोना जो है वो साफ होकर और पाक होकर भट्टी से बाहर आ जाता है तो गोया मुसलमानों की और काफिरों की मिसाल इसी तरह होगी कि काफिर बेमिसले कोयला हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे और मुसलमान खुद की सफाई के लिए उन्हें जो उनके गुनाह होंगे उनकी सजा के लिए उन्हें कुछ लम्हे जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा